नमस्कार, मैं अनन्या मिश्रा और आप देख रहे हैं माय भारत न्यूज। वक्त हो गया है टॉप 10 खबरों का। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कमर कस ली है। ममता बनर्जी को मात और विपक्षी एकता को ध्वस्त करने की रणनीति बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा देर रात कोलकाता पहुंचे हैं। दो दिवसीय यात्रा के दौरान दोनों नेता बंगाल भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलेंगे और संगठनात्मकता के बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। कमियों और खामियों पर चर्चा और लक्ष्य के प्रति मंथन भी होगा। और भाजपा के मुख्य प्रवक्ता शामिक भट्टाचार्य ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर दोनों नेताओं का बंगाल दौरा हो रहा है। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली है। इस दिन भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है। ऐसे में सभी तैयारियों को तेज कर दिया गया है। इस बीच कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस नेता एचडी कुमार स्वामी को इस भव्य प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रित किया गया है और आमंत्रण को उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर हिंदू धर्म को लेकर जहर उगला है। दरअसल उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रहे हैं कि हिंदू एक धोखा है। वैसे भी 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये जीवन जीने की एक शैली है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी दो बार कहा है कि हिंदू एक नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की एक कला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। जब ये लोग ऐसे बयान देते हैं तो भावनाएं आहत नहीं होती है, लेकिन अगर यही बात स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं तो पूरा देश में भूचाल मच जाता है। भारत का स्वदेशी युद्धक जहाज INS इम्फाल आज नौसेना में शामिल हो जाएगा। INS इम्फाल के नौसेना में कमीशन होने का कार्यक्रम मुंबई के नेवल डॉक यार्ड में होगा। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में शामिल होंगे। INS इम्फाल विशाखापट्टनम श्रेणी का डिस्ट्रॉयर है, जिसे भारतीय नौसेना ने ही डिजाइन किया है और अब भारत में इसका निर्माण किया गया है। मंगलवार सुबह करीब 4:33 पर लेह और लद्दाख में रिक्टर पैमाने पर 4.5 की तीव्रता का भूकंप आया। एनसीएस ने जानकारी दी कि मंगलवार सुबह करीब 4:33 पर लेह और लद्दाख में रिक्टर पैमाने पर 4.0 तीव्रता का भूकंप आया। दुबई से निकारागुआ जा रहे एक विमान को फ्रांस ने गुरुवार को मानव तस्करी के संदेह में रोक लिया था। इस विमान में 303 भारतीय सफर कर रहे थे। इस बीच मंगलवार को एक अच्छी खबर सामने आई कि 4 दिन बाद फ्रांस की डंकी उड़ान मुंबई पहुंची है। हालांकि अब विमान से यात्री उतरे तो उनकी संख्या महज 276 थी। इससे सवाल उठ गया कि आखिरकार 25 अन्य लोगों का क्या हुआ। कोरोना महामारी एक बार फिर तेजी से पैर पसार रहा है। हर दिन नए मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि भारत में कोविड-19 के 412 नए मामले सामने आए हैं। फिलहाल संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 4,170 हो गई है। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को वीर बाल दिवस के मौके पर सिख गुरु गोविंद सिंह, उनके पुत्रों और पत्नी माता गुजरी को नमन भी किया। बता दें कि 26 दिसंबर वीर बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर भारत का आदित्य अपने लिए निर्धारित L1 विंडो से हेलो ऑर्बिट में प्रवेश के निकट पहुंच गया है। इस ऑर्बिट में रहते हुए यह L1 विंडो की परिक्रमा करेगा। सूर्य के अध्ययन के लिए 15 लाख किलोमीटर दूर भारत का आदित्य अपने लिए निर्धारित L1 विंडो भारत के पहले मिशन का यह आखिरी चरण बेहद अहम और संवेदनशील और जटिल होगा। इसकी सफलता के लिए दिशा निर्धारण, गति नियंत्रण और सही समय पर उपकरणों का ठीक काम करना बेहद जरूरी होगा।
असम के सोनितपुर जिले में 30 साल की एक महिला पर धारदार हथियारों से हमला किया गया है। उसके बाद उसे जलाकर मार भी दिया गया है। कथित तौर पर जादू टोना करने के दावे के बाद वारदात को अंजाम दिया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुरिमा दास ने बताया कि पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 लोग अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। दोनों को पकड़ने के लिए एक अभियान शुरू कर दिया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे माय भारत न्यूज। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा माय भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माय भारत के साथ।